ये आप देख सकते हैं। तो इसकी फ्रेग्रेंस काफी कमाल की है, क्योंकि हमने ये लाइट परफ्यूम बनाया है हमने। आप देख सकते हैं कुछ केमिकल है, कुछ हमारे पास कलर है, ठीक है, इनमें हम परफ्यूम का कलर चेंज करेंगे। और परफ्यूम को फिलअप करने के लिए हमारे पास बोतल भी है और फिलअप करने की डिवाइस भी है, यानी कि एक सिरिंज या आप इसको टीका भी बोल सकते हैं। कह रहे दोस्तों, आज हम आपके साथ एक अच्छी क्वालिटी का, एक लॉन्ग लास्ट फ्रेग्रेंस का एक ऐसा परफ्यूम शेयर करने वाले हैं कि जो आप लगाकर किसी भी कम्युनिटी में जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने कौन सा परफ्यूम यूज किया है, आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सा परफ्यूम यूज किया है। ये मैं आपको अपनी गारंटी दे रहा हूँ और एक दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करते हैं, आप इस तरीके को अपनाते हैं, तो आप अपने घर पर एक अच्छा परफ्यूम रेडी कर सकते हैं। इसके बजाय कि आप एक कॉस्टली परफ्यूम बाय करें और आपको वो लॉन्ग लास्टिंग प्रोवाइड ना करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे जो मेथड है इसको फॉलो करें और आप अपने घर पर एक दफा ट्राई कर देखें। तो ज्यादातर दोस्तों का जो शिकवा आता है मुझसे वो ये होता है कि हमारा जो परफ्यूम है ये लॉन्ग लास्ट नहीं है, हमने जो अतर बाय किया ये लॉन्ग लास्ट नहीं है। तो मैं आपको हर वीडियो में ये बता चुका हूँ कि लॉन्ग लास्ट का कनेक्शन इतर की, इस ऑयल की, बेस ऑयल की जो इनकी क्वालिटी होती है उस पर डिपेंड करता है कि ये कितना लॉन्ग लास्ट है। अगर मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ कि हमारे पास ये जो ऑयल है ना, इसको बोलते हैं DL, ये भी एक ऑयल है, ये एक केमिकल है। अगर हम इस केमिकल को इसमें ऐड करते हैं ना, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मतलब हमारे पास ये ऑयल है, ये इतनी बोतल फिलअप है, ठीक है, और हमारे पास ये इतर पॉइजन इतर है, हम इसको इसमें डालते हैं, इतनी में से इतना सा अगर डाले ना, मतलब इसमें 20 ml भी हम इतर डालते हैं, तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये बोतल फिलअप हो जाएगी, कंप्लीट फिलअप हो जाएगी। और कौन सी इसमें स्मेल आएगी, पॉइजन की। तो अक्सर जो हम सस्ती चीज को बाय करते हैं ना, तो उसी वजह से हमें लॉन्ग लास्टिंग भी इतनी अच्छी नहीं मिलती। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च कर लिए करें, किसी ट्रस्टेड शॉपकीपर, किसी ट्रस्टेड वेबसाइट या किसी ट्रस्टेड बंदे से आप बाय करेंगे तो आपको एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और वो बंदा जो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाह रहा है, या वो बंदा जो थोड़े से ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में अपनी प्रोडक्ट का नुकसान कर रहा है, तो हम आपको एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक अच्छी क्वालिटी की लॉन्ग लास्ट जो भी आपको इतना रिक्वायर होगी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप के आज की वीडियो आप जरूर लाइक करेंगे। चैनल पर आप पहली दफा हैं तो हम इस चैनल पर परफ्यूम, खुशबू और इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका रिव्यू भी करेंगे, उनकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हमेशा के लिए ऑन रखें, तो ताकि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, हम आपके साथ नए नए तरीके शेयर करें। तो मैं आपके साथ कोई भी चीज जो शेयर करूंगा वो 100% ऑथेंटिक वर्क होगा, ओरिजिनल होगा, उसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा। या अगर आप परफ्यूम बनाते हुए किसी चीज की कोई मिकदार का तय्यून नहीं कर सकते, उसमें आपकी गलती है। मिकदार जो मैं आपको बताऊंगा आपने वो ही मिकदार यूज करनी है, ठीक है। आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप उस पर लिख लें। अब आप मैन्युफैक्चर करें तो आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश ना आए। तो चलते हैं आज के टॉपिक को फॉलो करते हैं। तो आज हम एक खिचड़ी पकाने लगे हैं, एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करने लगे हैं जिसमें हमारे पास है वर्साची पिंक रोज का, ठीक है। ये अजमल वालों की फ्रेग्रेंस है, इसकी प्राइस है 450 रुपए और ये एक सस्ता फ्रेग्रेंस है। ये आप 100 ml 1200 रुपए का हमसे बाय कर सकते हैं। ये हम आपको 1200 में एक अच्छा स्पाइसी फ्लोरल कॉम्बिनेशन का, और इसमें थोड़ी सी जो स्वीटनेस भी होगी, इसमें फैलाव भी होगा, और इसकी लॉन्ग लास्टिंग 24 आवर प्लस होगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक को फॉलो करते हैं। हमने आपको बता दिया हमारे पास आज है 1, 2, 3, 4 और 1, 5 पांच इतर का हमने एक 100 ml का परफ्यूम रेडी करना है। और उसके बाद हमारे पास एक है बोतल, आपके पास बोतल कोई भी है आप वो यूज कर सकते हैं। हमारे पास ये बोतल है, एक ये सिरिंज है, और दो हमारे पास है ये केमिकल, एक है T20 और एक है DL।
डीएल के नाम से आपको किसी भी मार्केट से एक केमिकल मिल जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बोतल को कर लेते हैं। हमारे पास जो बोतल है ये इस तरह की, इसका जो कैप है ये ओपन हो जाता है। ये हमने ब्लैक बोतल में आपके साथ चेयर करना है, ठीक है। हमारे पास ये ब्लैक बोतल भी पड़ी है, तो आप इसको खोलेंगे तो ये खुल जाएगा, यानी कि ये फिर ढक्कन वाला या फिर कैप वाली बोतल नहीं है। ये देखें, इसका कैप उतार के साइड पर रख दिया, और हम इसमें आप ऐड करेंगे अपने तमाम तर लवाजमात, अपने इतर और उसके बाद केमिकल। तो हमारे पास हमने सबसे पहले इसमें ऐड करना है तकरीबन 24 ml इतर ऑयल। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इंटरनल लव, 450 रुपए का पर ml, इतना कॉस्टली नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग आप यकीन करें, अगर आप इंटरनल लव ये वाला हमसे बाय करते हैं या किसी भी ट्रस्टेड बंदे से बाय करते हैं, तो इसकी खुद की फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसमें आपको लेमन का टच मिल जाता है, इसमें आपको फूलों का टच मिल जाता है, इसमें आपको एक दूसरा फ्रूट का एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि स्वीटनेस ही मिल जाती है। तो हम ये इसमें ऐड करेंगे। तो हमने जो 5 ml इसमें इंटरनल ऐड कर लिया, टोटल हमने इसमें ऐड करनी है 20 ml। आप 24 ml भी ऐड कर सकते हैं, आप जितनी ज़्यादा इतर ऐड करेंगे, ये नहीं कि आप इसमें 50 ml इतर ऐड करेंगे और 50 ml केमिकल, इस तरह होगा कि फिर इसका प्रेशर नहीं बनेगा। ये पंप है, ये प्रेशर से बाहर नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 24 ml इसमें इतर ऑयल यानी कि बेस ऑयल ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं इस इंजेक्शन से हमें इसके मेजरमेंट का पता चल जाता है कि हमने कितने ml कौन सी ऐड की, कितने ml कौन सी ऐड की। तो ये हम ऊपर लगा लेते हैं, इसकी रीज़न ये कि उसमें थोड़ी सी इतर कम थी इसलिए हम उसमें नहीं डाल सके। अब इसमें डालेंगे 5 ml वर्साची पिंक, पिंक रोज भी आप इसको कहते हैं। एक होता है वर्साची पिंक और एक होता है वर्साची वाइट। हमारे पास जो है ये पिंक कलर के गुलाब का एक कॉम्बिनेशन है, तो 5 ml हम इसमें ये ऐड करते हैं वर्साची पिंक, ठीक है। तो ये देखें, हमने इसमें 5 ml वर्साची पिंक ऐड कर लिया, ठीक है। इस ढक्कन को लगाते हैं और इसको साइड पर रखते हैं। बाकी हमने इसमें ऐड करना है बॉस और पॉइजन। पॉइजन को हमने थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है ये शार्प होती है, तेज़ होती है, इसलिए इसकी फ्रेग्रेंस ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। तकरीबन 3 ml हम इसमें पॉइजन को यूज़ करेंगे। तो तकरीबन ये 3 ml हो चुका है, 3 ml प्लस हो चुका है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉस तकरीबन इसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि बॉस की जो फ्रेग्रेंस है लाइट होती है। ऐसा नहीं होता कि पहले दोस्तों कि आप सब फ्रेग्रेंस का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आपने इनको मैच करना होता है कि कौन सी फ्रेग्रेंस किस इतर में सूट रहेगी। तो आप हमने इसमें बॉस ऐड किया, बॉस ऐड करने के बाद आप इसको अंडी लेंगे। ये तकरीबन है आई थिंक ये हो चुकी है तकरीबन 16 ml या 15 ml, ये इतर हमारे पास हमने इसमें ऐड कर रहे हैं बोतल में। ये आप देख सकते हैं बोतल में हम ये जो बना रहे हैं ना परफ्यूम, ये एक प्रोफेशनल परफ्यूम आप इस तरह बना सकते हैं। तो हमने इसमें तकरीबन 15 ml ऐड कर दिया है, दूसरा ये चारों फ्रेग्रेंस इतर ऑयल बेस ऑयल। और उसके बाद हम तकरीबन इसमें 4 ml, ये एक तो कलर इसका ये ड्रैकर, असल में ये ड्रैकर परफ्यूम की बेस ऑयल है, और ये तकरीबन 4 ml हम इसमें ऐड करेंगे। ये थोड़े से इसके कलर को भी चेंज कर देगी। तो ये हम आडिये से इसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा एक छोटा मैयर होता है वो हमारे पास नहीं है। अब हम ये है असल चीज़ DL हम इसको बोलते हैं। तो ये DL आपने तकरीबन इसमें, अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं ना 20 ml इतर ऑयल, तो आपने 10 ml इसमें DL ऐड करना है। एक तो इससे क्या होगा, आपकी परफ्यूम की जो लॉन्ग लास्टिंग है वो बढ़ जाएगी। आप तकरीबन 6 month तक इसको स्टोर कर सकते हैं, 6 month तक आप इससे अपने परफ्यूम को स्टोर कर सकते हैं। T20 की जो असरात हैं वो
ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, मतलब ये परफ्यूम आपका लॉन्ग लास्ट भी कर देगा और जो केमिकल के असरात हैं उसको भी ख़त्म कर देगा। तो ये हो चुका है 10 ml, आप देख सकते हैं 10 ml हमने इसमें DL केमिकल ऐड करना है। ये हमने 10 ml इसमें DL केमिकल ऐड कर दिया और उसके बाद ये है T20। अगर आप इसके मुतबादल जो ओरिजिनल अल्कोहल होता है जो परफ्यूम में यूज़ होता है वो आप ढूंढ लेते हैं या आप अरेंज कर लेते हैं, असल में उसको यूज करने के लिए आपके पास एक परमिट होना ज़रूरी है। तो ये होता है, ये आम रेगुलर आपको परफ्यूम वाली शॉप से मिल जाता है। बाकी हम इसमें जितना भी बचा है वो ऐड करेंगे इसमें T20। तो आप देख सकते हैं ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें T20। देखें ये तकरीबन ना 85 या 80 ml की ये बोतल है, इसलिए हमने इसमें जो इतर ऑयल है वो कम ऐड किया है। लो जी ये हो गया हमारा परफ्यूम रेडी, एक प्रोफेशनल परफ्यूम हमने रेडी कर लिया है। ठीक है, ये हमने DL इसमें ऐड किया, ये इसका ढक्कन इसको लगा के मैं साइड पे रख लूं। प्यारे दोस्तों इस तरह का जो कैप होता है आपने इस तरह लगा देना है, इसको बंद कर देना है और बंद करने के बाद आपने ये कैप लगाना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी ऑयल हमने इसमें ऐड किए हैं वो एक यकजा हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये आपका जो परफ्यूम है ये रेडी हो जाएगा और आपने इसको अब क्या करना है, फ्रीज में स्टोर करना है 24 आवर आपने इसको स्टोर करना है, उसके बाद आपने इसको प्रॉपर यूज करना है। आप इस परफ्यूम को 6 मंथ तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है DL। तो प्यारे दोस्तों आई होप के आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप ज़रूर अप्लाई करेंगे अपने घर पर। अगर आप हमसे इस तरह के परफ्यूम मंगवाना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन डिलीवरी भी कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है ये आपको जस्ट 1200 रुपये का आपको मिल जाएगा। ये 85 ml की बोतल है, इसमें 85 ml की ये अच्छी बोतल है, ये जो बोतल है ये ग्लास की बोतल है, प्लास्टिक की नहीं है। तो इसमें जो पंप लगा हुआ है ये भी अच्छा लगा हुआ है, मतलब ख़राब नहीं होता छेती, आप देख सकते हैं। तो इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी कमाल किया क्योंकि हमने ये लाइट परफ्यूम बनाया, हमने इतना शार्प नहीं बनाया, तो लाइट है हमारे पास। ये आप जब 24 आवर इसको स्टोर करेंगे उसके बाद इसका रिजल्ट लेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आई होप के आज की वीडियो आप ज़रूर लाइक करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।